Assalamu alaikum, dear friends and dear aspirants. Welcome back to our YouTube channel Learn with Wafa. तो दोस्तों आज तक हमने बात की है different topics के बारे में, like basic concepts and principles of economics, और हमने बात की है different forms of markets and price determination in these types of markets. इसी तरह से हमने बात की है डिमांड के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, उस सब के बारे में हमने बात की है. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर डिमांड पर पड़ता है. इस चीज़ को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो दोस्तों ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी सजेशंस प्रोवाइड करें. कोई भी सजेशन आपकी तरफ से हो, कोई भी तजवीज़ आपकी तरफ से हो कि हमारी चैनल कैसे डेवलप हो, या आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि कोई वीडियोज़ में कोई चेंज लानी हो, लेक्चर देने में कोई चेंज लानी हो, तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम. और एक गुजारिश यह है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए आए हैं, जो नए फ्रेंड्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विच इज़ नेम्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन. तो दोस्तों ये लेक्चर जो है, दिस इज़ आवर एट्थ लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स सेक्शन. ये हमारे इकोनॉमिक्स सेक्शन का आठवां लेक्चर है. हमने दो लेक्चर्स बेसिक प्रिंसिपल्स पर दिए, चार लेक्चर्स इसी तरह से मार्केट, डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, और एक लेक्चर हमने दिया डिमांड पर, जो सातवां लेक्चर था. तो ये आज का लेक्चर जो है हमारा आठवां लेक्चर है. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 20 लेक्चर्स में हम ये पूरा इकोनॉमिक्स का सेक्शन कंप्लीट करें. मे बी एक दो उससे ज़्यादा भी हो जाए, 21, 22, तो इसी के अराउंड हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए. अब कुछ फ्रेंड्स सोचते होंगे कि इतने लेक्चर्स क्यों, मतलब 10 मार्क्स हैं इसके, तो इतने लेक्चरों की क्या ज़रूरत है. तो लेट मी टेल यू दैट मैं आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव स्टडी करवा रहा हूं, ताकि आपके सारे मार्क्स इसमें कवर हो जाएं. देखिए, आप दूसरे चैनल्स पर भी देखते होंगे कि वो 10 दिनों में इकोनॉमिक्स का पोर्शन, 5 दिनों में इकोनॉमिक्स का पोर्शन ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. हमारा ये तरीका है कि हम ऐसे लेक्चर्स बनाएं, ऐसे आपके सामने प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो और आपके मोस्ट ऑफ द सेक्शंस जो हैं वो कवर हो जाएं, और इस तरह से कवर हो जाएं कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से आप लोगों के सामने हम लेक्चर्स लाएं. तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन. क्या होते हैं ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या डिमांड फंक्शन क्या होती है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे. डिमांड फंक्शन जो होती है ये हमें एक रिलेशनशिप दिखाती है दो चीज़ों के बीच में. एक होती है डिमांड फॉर ए कमोडिटी और दूसरा होता है इसका प्राइस. ये हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन्स है. लेकिन खाली प्राइस ही नहीं है जो इस डिमांड को डिटरमाइन करता है, यानी खाली एक ही चीज़ नहीं है, खाली इट इज़ नॉट जस्ट प्राइस विच डिटरमाइन्स दिस डिमांड विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर. यानी डिमांड पर खाली प्राइस का असर नहीं पड़ता, कुछ और भी डिटरमिनेंट्स होते हैं, वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड पर असर करते हैं. और प्राइस के अलावा या प्राइस को इंक्लूड करके जितने भी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें, वो सब फैक्टर्स इस डिमांड फंक्शन में हम पढ़ते हैं. तो शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि डिमांड फंक्शन जो है
ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। जो कमोडिटी की डिमांड होती है और इसके डिमांड के वेरियस डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस है, कैसा असर पड़ता है, प्राइस का क्या असर पड़ता है डिमांड पर, अदर फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है डिमांड पर, ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हम डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं डी एक्स मीन्स डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। दिस मीन्स डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। लेट अस सपोज दैट वी आर बाइंग अ कमोडिटी एक्स। हम सपोज करते हैं कि हम कमोडिटी एक बाई कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिसका नाम एक्स है, ठीक है, गुड एक्स हम परचेज कर रहे हैं। तो डिमांड एक्स जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ, इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स। पी एक्स मीन्स प्राइस फॉर द कमोडिटी एक्स। पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके बाद और एक डिटर्मिनेंट है टी। टी मीन्स टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। ई मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। एंड द लास्ट वन, द लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज एन, विच मीन्स नंबर ऑफ बायर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ये वो फैक्टर्स हैं जिनका असर एक कमोडिटी की डिमांड पर पड़ता है। तो एक एक करके हम इन सब फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस फैक्टर का कौन कैसा असर, पॉजिटिव असर पड़ता है या नेगेटिव असर पड़ता है, ये हम एक एक करके हर किसी फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर, द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, विच इज द प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो इसका अपना प्राइस होता है, उस प्राइस से इस डिमांड पर असर पड़ता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है लॉ ऑफ डिमांड में, सॉरी अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने डिमांड कर्व पढ़ा था, मार्केट डिमांड कर्व या इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वहां पे हमने देखा कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यानी प्राइस जब इंक्रीज होता है तो इसकी डिमांड डिक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। इसीलिए यही वजह है कि जो डिमांड कर्व है, हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व जो है उसका स्लोप डाउनवर्ड्स होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे हमने पढ़ा था डिमांड कर्व जो है ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। और वजह यही है कि प्राइस और डिमांड फॉर अ कमोडिटी दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर दे हैव एन अपोजिट रिलेशनशिप, अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद ईच अदर। यही वजह है कि इसका डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो प्राइस, अब प्राइस का क्या असर पड़ता है डिमांड पर, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट। जब भी हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम ये चीज अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो भी फैक्टर्स हैं, जब हम प्राइस की बात करें तो हम सपोज करते हैं कि बाकी फैक्टर्स उस टाइम कॉन्स्टेंट रहते हैं। जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो उस टाइम अज्यूम करते हैं हम कि बाकी जो फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं। जब हम इनकम की बात करते हैं तो उस टाइम हम इन बाकी पाँच फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन रहता है, ये हमारा सपोजिशन रहता है कि जब भी किसी फैक्टर की हम बात करते हैं उस टाइम हम ये अज्यूम करते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है आप लोगों को, कि जब भी हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो डिमांड फंक्शन में जब हम किसी भी फैक्टर को लाते हैं इन रिलेशन टू डिमांड, तो उस टाइम हम ये अज्यूम करते हैं कि बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं वो उस टाइम कॉन्स्टेंट रहते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे भी ये चीज़ बोली है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट अफेक्ट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी, बट हेयर अगेन वी अज्यूम दैट अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स मीन्स
price of related goods, income of the consumer, tastes and preferences, future expectations and number of buyers. All these things, all these factors are assumed to be constant. ये जो सारे factors हैं इनको हम assume करते हैं, suppose करते हैं कि ये सारी चीज़ें constant हैं. इसीलिए हमने लिखा है other things being constant. Now, जब बाकी चीज़ें constant रहती हैं तो क्या होता है? जब price change होता है, with a rise in own price of the commodity, its demand contracts. जब कमोडिटी का प्राइस राइज होता है, अपना प्राइस जो है होता है इस कमोडिटी का, जब वो राइज होता है तो डिमांड कंट्रैक्ट होती है, यानी डिमांड जो है वो कम होती है, डिक्रीज होती है. एंड विद द फॉल इन इट्स ओन प्राइस, जब इसका प्राइस फॉल होता है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है. तो हम यहां पे देखते हैं कि जब अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो प्राइस का एक इनवर्स असर पड़ता है इस डिमांड पर. और यही इनवर्स रिलेशनशिप जो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. और यही लॉ ऑफ डिमांड हम आगे डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लॉ है डिमांड का, जो डिमांड का डिमांड कंसेप्ट का, जो डिमांड एनालिसिस आपके सिलेबस में है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका टॉपिक है, वो हमें आगे डिस्कस करना है. तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, जो इसके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड. तो हमने देखा कि प्राइस से जो असर पड़ता है वो नेगेटिव असर पड़ता है. जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड उस टाइम इंक्रीज होती है. सो दिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी. इस तरह से प्राइस का असर पड़ता है डिमांड पर. तो यह है पहला फैक्टर, यह है पहला डिटर्मिनेंट जो हमने डिस्कस किया, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. चलिए अब दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो पहले हम देखेंगे कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे गुड के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिनके प्राइस या डिमांड चेंज होने की वजह से दूसरे जो कमोडिटीज हैं उन पर असर पड़, उनकी डिमांड या प्राइस पर असर पड़ता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहां पे हम देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स. फर्स्ट वन इज सबस्टिट्यूट गुड्स and the second one is complementary goods. Let us see what are substitute goods. Those goods which can be substituted for each other, like tea and coffee or ball pen and ink pen. So those goods which can be substituted for each other, ये वो goods होते हैं जिनको हम एक दूसरे के बदले use कर सकते हैं, एक दूसरे के बदले substitute कर सकते हैं, ठीक है. तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने tea और coffee लिखा है. अगर कभी हम कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिलते, हम बोलते हैं फिर टी का एक कप लाइए, ठीक है. तो हम टी के बदले कॉफ़ी पीते हैं, कभी कभी कॉफ़ी के बदले टी पीते हैं. तो ये दो चीज़ें जो है ये सबस्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, बिकॉज वी सबस्टिट्यूट देम फॉर ईच अदर. हम जब इनको यूज़ करते हैं तो कभी हम उसके बदले ये कॉफ़ी के बदले टी यूज़ करते हैं, टी के बदले कॉफ़ी यूज़ करते हैं. तो दीज आर दोज गुड्स विच आर नोन एज सबस्टिट्यूट गुड्स बिकॉज दे कैन बी सबस्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर. इसी तरह से बाल पेन एंड इंक पेन, कभी हमें बाल पेन नहीं मिलता है तो हम इंक पेन ही लाते हैं, और इंक पेन कभी नहीं मिलता है तो बाल पेन ही लाते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें भी ऐसी हैं जिनको हम एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं, सबस्टिट्यूट कर सकते हैं. सो दीज गुड्स दोज गुड्स विच कैन बी सबस्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ईच अदर, सो उन गुड्स को कहा जाता है सबस्टिट्यूट गुड्स. तो ऐसे गुड्स के केस में क्या होता है, ये सबस्टिट्यूट गुड्स का असर कैसे पड़ता है डिमांड पर, ये हम देखेंगे. देखिए हमने कहा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है ये भी असर करते हैं, ये भी इफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर ए कमोडिटी. अब इनके दो टाइप्स हैं सबस्टिट्यूट गुड्स, तो एक एक करके हम देखेंगे कि इनका असर क्या पड़ता है. इन केस ऑफ दीज गुड्स, यानी इन केस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स, जब हम सबस्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी. जब एक कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में इंक्रीज होती है. देखिए अगर टी के प्राइस में इंक्रीज होगा,
फॉर एग्जाम्पल टी अभी तक 10 रुपये एक कप मिलता था हमें, अब हमें 20 रुपये एक कप मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे अपनी डिमांड को, हम जाएंगे टी को छोड़ के कॉफ़ी की तरफ, हम कॉफ़ी की डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब टी का प्राइस इंक्रीज़ होता है, डिमांड की सॉरी कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से बाल पेन अगर 10 रुपये मिलता था, 20 रुपये मिलता है, ठीक है, तो हम बाल पेन यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, हम इंक पेन यूज़ करेंगे। तो इसके प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से हमने इसकी डिमांड इंक्रीज़ की। तो सबस्टिट्यूट गुड्स का यही असर पड़ता है कि जब एक गुड का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज़ होती है उस वजह से, ठीक है। ये होता है सबस्टिट्यूट गुड्स का असर, यानी एक गुड का असर दूसरे गुड पर पड़ता है, इसी को कहते हैं रिलेटेड गुड्स, बिकॉज देयर प्राइस एंड डिमांड आर रिलेटेड टू ईच अदर। व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेज अ डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। इससे खुद की डिमांड कम होती है और दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज होती है, जैसा कि हमने कॉफ़ी और टी के हालत में देखा, या बाल पेन और इंक पेन के केस में देखा। तो ये होता है जब सबस्टिट्यूट गुड्स की हम बात करते हैं। इसके बाद है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? देखिए, हमने सबस्टिट्यूट गुड्स देखा कि दोज गुड्स विच कैन बी सबस्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जिनको एक दूसरे के बदले सबस्टिट्यूट किया जाता है, लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। इसलिए इनको एक साथ डिमांड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक। देखिए, पेन और इंक, अगर हम पेन खरीदते हैं उसमें इंक नहीं है तो वो पेन किसी काम का नहीं होगा, या इसी तरह से हम इंक खरीदते हैं, पेन हमारे पास नहीं है तो इंक किसी काम की नहीं है। तो ये दो चीज़ें जो है, पेन एंड इंक, दीज आर कंप्लीमेंट्री गुड्स बिकॉज दे आर डिमांडेड टुगेदर, दे कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। ये एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इनके बिना एक की डिमांड अधूरी रहती है। इसी तरह से ब्रेड एंड बटर, अक्सर हम बटर लगाते हैं ब्रेड में, जब हम ब्रेड ऐसे भी खाते हैं, लेकिन ये ब्रेड एंड बटर जो है क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर है, इनकी वजह से भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिमांड दे कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। सो दीज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर डिमांडेड टुगेदर, दे आर नोन एज कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब ऐसे गुड्स का क्या असर पड़ता है डिमांड पर? देखिए, सबस्टिट्यूट गुड्स में हमने पढ़ा कि जब एक प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी जो है उसका प्राइस भी, डिमांड भी, उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है। ये हमने सबस्टिट्यूट गुड्स में पढ़ा। अब देखिए कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। इन केस ऑफ दीज गुड्स, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर, ठीक है। यहां पे जब कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, यहां पे जब एक गुड, एक कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है, डिक्रीज होता है, इसकी वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। जब एक, ये समझने के लायक बात है, इट इज समवट कॉन्सेप्चुअल, सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल हियर। देखिए, जब कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, एक गुड का जब प्राइस फॉल होता है, कंप्लीमेंट्री गुड्स में जब एक गुड का प्राइस फॉल होता है, इससे दूसरा जो गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। सबस्टिट्यूट गुड्स में प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड दूसरे की इंक्रीज होती थी, लेकिन यहां पे इसका उल्टा है। यहां पे डिमांड, प्राइस फॉल होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पेन एंड इंक की हम बात करेंगे फिर से। जब पेन का प्राइस फॉल होगा, ठीक है, जब पेन का प्राइस फॉल होगा, जब इसका प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा ज़्यादा पेन लाएंगे, तो इसका ऑलरेडी मतलब हुआ ये कि हम इंक भी ज़्यादा ही लाएंगे, ठीक है। तो जब इसका प्राइस डिक्रीज हुआ, फॉल हुआ, इंक की डिमांड इंक्रीज हुई। इसी तरह से ब्रेड का प्राइस जब फॉल हुआ तो बटर की डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है। खुद की डिमांड तो इंक्रीज हो ही जाएगी, वो तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। पेन की डिमांड तो ऑलरेडी इंक्रीज होगी, इसके साथ साथ इंक की भी डिमांड इंक्रीज होगी। प्राइस फॉल होने से ब्रेड की डिमांड तो इंक्रीज होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ बटर की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब यह है कि जब एक गुड के प्राइस में फॉल होता है
तो इसकी वजह से दूसरा गुड जो है उसकी डिमांड राइज होती है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और जब एक गुड का प्राइस राइज होता है, ठीक है, एंड राइज इन द सॉरी यहां पे प्राइस है, राइज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू द फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर। अब जब एक कमोडिटी का प्राइस राइज होता है, इससे दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी असरअंदाज होती है, उसकी डिमांड भी फॉल हो जाती है, ठीक है। तो इनका एक उल्टा रिलेशन होता है यहां पे। सबस्टिट्यूट गुड्स के केस में एक गुड का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो दूसरे गुड की डिमांड भी इंक्रीज होती है, लेकिन कंप्लीमेंट्री गुड्स में इसका उल्टा है। जब एक गुड गुड का प्राइस राइज होता है तो दूसरे की डिमांड फॉल होती है, ठीक है। एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है दोस्तों। यहां पे हमने सबस्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स का एक थोड़ा सा टेबल आपके सामने लाया है। सबस्टिट्यूट गुड्स की हम तरफ जब देखते हैं तो सबस्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर यूज। ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं, सबस्टिट्यूट किए जा सकते हैं एक दूसरे के बदले, ठीक है। जैसे टी एंड कॉफी हमने पढ़ा था, इसी तरह से व्हेन प्राइस ऑफ ए सबस्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, जब एक सबस्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर ए गिवन गुड राइजेज एंड वाइस वर्सा। जो दूसरा इसका सबस्टिट्यूट गुड होता है उसकी डिमांड राइज होती है, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि जब प्राइस ऑफ ए सबस्टिट्यूट गुड डिक्रीज होता है तो उससे दूसरे सबस्टिट्यूट गुड की डिमांड डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल इसकी है टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, बाल पेन एंड इंक पेन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये टी एंड कॉफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है। सबस्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, ठीक है, वो आगे पढ़ना है। तो ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी बोर्न इन द माइंड, आप लोगों को दिमाग में रखनी है ये सारी चीज़ें। इसके बाद है कंप्लीमेंट्री गुड्स, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर इच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं और वो एक एक साथ उनको डिमांड किया जाता है। व्हेन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर ए गिवन गुड से गुड एक्स फॉल्स। जब कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, जब इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरा जो इसका इसका होता है कंप्लीमेंट्री गुड, उसकी डिमांड फॉल होती है। और जब प्राइस ऑफ ए कंप्लीमेंट्री गुड डिक्रीज होगा तो उस टाइम दूसरे कंप्लीमेंट्री गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। इनकी अपोजिट रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल यहां पे है पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस में अगर इंक्रीज होगा तो कार्स हम कम लाएंगे, ठीक है। जब पेट्रोल के प्राइस में डिक्रीज होगा तो हम कार्स ज्यादा लाएंगे, ठीक है। तो ये है प्राइस, कार एंड पेट्रोल भी एक एग्जाम्पल इन कंप्लीमेंट्री गुड्स की। इसके बाद जो फैक्टर इस डिमांड पर इफेक्ट करता है, हमने अभी तक पढ़े दो फैक्टर्स, प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम जो कंज्यूमर की होती है, इससे भी, इसके चेंज होने से भी डिमांड पर असर पड़ता है। कैसे? देखिए, जब हमारी इनकम जब इंक्रीज होती है तो इनकम इंक्रीज होने से हमारी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, हम डिमांड ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब हमारी इनकम कम होती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जब इनकम डिक्रीज होती है हमारी, तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। सो देयर इज अ पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड के बीच में, इट इज इन रिलेशन टू नॉर्मल गुड्स। ये नॉर्मल गुड्स के लिए है, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स के लिए नहीं है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के रिलेशन में हम बोलते हैं कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारे नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, और जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होती है, ठीक है। और इन्फीरियर गुड्स के रिलेशन में क्या होता है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है, ठीक है, इसका अपोजिट रिलेशनशिप है।
इन रिलेशन टू नॉर्मल गुड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, बट इन रिलेशन टू इन्फीरियर गुड्स देयर इज अ नेगेटिव एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एंड अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड. समझ में आया? I would like to repeat it again. Normal goods के लिहाज से जब हम बात करते हैं, in relation to normal goods, the income of the consumer is directly related to the demand. यानी normal goods के relation में income of the consumer directly related है उसकी demand के साथ. यानी जब उसकी income increase होती है तो normal goods की demand increase होती है, जब उसकी income decrease होती है तो normal goods की demand decrease होती है. अब इन्फीरियर गुड्स के रिलेशन में क्या है? इसका अपोजिट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. यानी जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिक्रीज होती है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स को फिर ये अपने लायक नहीं समझता. ठीक है, ये समझता है कि मेरी इनकम अब इंक्रीज हुई है तो मैं इन इन्फीरियर गुड्स के लायक नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसलिए जब इसकी इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स इनकी डिमांड ये कम कर देता है, और जब इसकी इनकम डिक्रीज होती है तो फिर इन्फीरियर गुड्स की बारी आती है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है. ठीक है, तो इन रिलेशन टू नॉर्मल गुड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी. ठीक, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, बट इन रिलेशन टू इन्फीरियर गुड्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिक्रीजेस, एंड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इंक्रीजेस. यहाँ पे हमने एक डिफरेंस दिखाई है आप लोगों को कि नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में इन रिलेशन टू नॉर्मल गुड्स एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. ये हमने ऊपर भी पढ़ा. ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन इन कॉन्स्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम. ठीक है, नॉर्मल गुड्स के लिहाज से जब हम देखते हैं नॉर्मल गुड्स के रिलेशन में तो हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है. तो इसका मतलब होता है कि इनकम इफेक्ट जो है यहां पे पॉजिटिव है. सो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव. ये चीज भी याद रखनी है कि नॉर्मल गुड्स के लिहाज से इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है. क्यों? जब इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की इनकम की डिमांड इंक्रीज होती है. जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होती है. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है. और नॉर्मल गुड्स जो है वो हो भी सकते हैं और हो भी नहीं सकते एसेंशियल्स ऑफ लाइफ. ठीक है, हमारी जिंदगी की जरूरियात. फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेंगे, हमारे पास फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है. दीज मे और मे नॉट बी द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ. देखिए, हम अगर हमारे पास फ्रिज, बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं होता, जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं होती. ठीक है, तो ये चीज़ें जब इनकम इंक्रीज होती है तो हम लाते हैं ये चीज़ें, जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ें नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी इनकम नहीं है. तो इनके रिलेशन में हमारा जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स. और नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. यानी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है यहां पे नॉर्मल गुड्स में. ठीक है, हमने दो चीजें देखी कि इनकम और डिमांड के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, लेकिन प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है. सो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. और इनका प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट मतलब लॉ ऑफ डिमांड जब अप्लाई होती है तो जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है. तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. तो लॉ ऑफ डिमांड इन नॉर्मल गुड्स पे ही अप्लाई होती है. ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज ओनली ऑन नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स पे नहीं होती है ये अप्लाई. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे. अब इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स
इन केस ऑफ विच देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इनकम और डिमांड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी नॉर्मल गुड्स का अपोजिट है बिल्कुल। जब यहां पे इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इनकी डिक्रीज होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि इनकम इफेक्ट यहां पे नेगेटिव है, ठीक है, यानी इनकम का उल्टा असर पड़ता है। और इन्फीरियर गुड्स जो है दे आर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, ठीक है, इन अदर वर्ड्स पीपल बाय इन्फीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज दे आर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, इसलिए लोग ये चीजें लाते हैं क्योंकि ये जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं, लाइक कोर्स ग्रेन, फॉर एग्जाम्पल हम कोर्स ग्रेन लाते हैं, रॉ ग्रेन एंड कोर्स क्लॉथ, क्लॉथ जब हम लाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें जो है ये क्लॉथ भी ग्रेन भी दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सो इन्फीरियर गुड्स जो है दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, और इन्फीरियर गुड जो है इनके बीच में इनके रिलेशन में प्राइस और डिमांड के बीच में हो भी सकती है इनवर्स रिलेशनशिप और हो भी नहीं सकती, ठीक है, और जब नहीं होगी तो उस टाइम लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस डिफरेंस, और ये डिफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक जो भी हमने इसमें डिस्कस किया वो सारा इंपॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू बियर ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड। तो आगे चलते हैं, द फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, द फोर्थ फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो भी इंसान की चेंज हो जाती है, ठीक है। देखिए इंसान कोई किसी चीज को प्रेफर करता है कभी, लेकिन जब वो एडवर्टाइजमेंट देखता है किसी दूसरे चीज की, ठीक है, जब वो फैशन में चेंज देखता है, क्लाइमेट में चेंज देखता है, नई इन्वेंशंस देखता है, तो इसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, और इन प्रेफरेंसेस और टेस्ट्स के चेंज होने से डिमांड भी चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जब कपड़े लाते हैं तो हम एक ब्रांड के लाते थे अभी तक, ठीक है, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट हमने दूसरे ब्रांड का देखा तो हमारी चाहत हुई कि हमारी प्रेफरेंस जो है वो चेंज हुई, हमने सोचा कि हम वही ब्रांड लाएंगे, ठीक है। इसी तरह से चेंज इन फैशन जब हुआ तो हमने सोचा कि अब फैशन चेंज हुआ है तो हम दूसरे टाइप के कपड़े लाएंगे। क्लाइमेट जब चेंज हुआ, अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो हम वैसे ही कपड़े लाएंगे, हमारी डिमांड गर्मी वाले कपड़ों के लिए कम हो जाएगी, ठीक है। और न्यू इन्वेंशंस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें भी डिमांड पर असर करती हैं। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस इन चीज़ों की वजह से चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर डिमांड पर असर पड़ता है। इसी तरह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, देखिए जब एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में कि किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होगा, तो वो प्रेजेंट में डिमांड को कम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी होगी, फॉर एग्जांपल हम एक कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक बिल्डिंग की, हमें उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इस सीमेंट का प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा, हम अभी प्रेजेंट में उसकी डिमांड को कम करेंगे, हम सोचेंगे कि नहीं आज सीमेंट नहीं लाएंगे, जब इसका आगे नियर फ्यूचर में जब इसका प्राइस कम होगा तो उसी टाइम लाएंगे, ठीक है। तो जब एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, देन हिज डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और जब इसको एक्सपेक्ट होता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा, इसकी प्रेजेंट की डिमांड उसी हिसाब से राइज हो जाती है, ये बोलता है मैं अभी ला के रखूंगा क्योंकि फ्यूचर में इसका प्राइस राइज होगा, ठीक है। इसी तरह से पॉपुलेशन साइज, तो ये इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज मोर एंड मोर डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी लोगों की कम होगी, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ बेयर्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और जिसको हम डिमांड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर जो है ये अच्छे तरीके से समझा होगा, और जिनको नहीं समझ आया आई वुड लाइक देम टू रिवाइज दिस अगेन, इसको दूसरी बार देखें। वैसे ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला लेक्चर ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई होप ऑल द फ्रेंड्स ऑल द एस्पायरेंट्स मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स जो भी हमने डिलीवर किए वो सब आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो भी आपके कमेंट्स होंगे हमारे टीचिंग का तरीका क्या है उसके रिलेटेड, या किसी और चीज़ के रिलेटेड कुछ चेंजेस लानी होंगी लेक्चर्स में, कुछ चेंज लानी होंगी, तो उस रिलेटेड जो भी आपकी सजेशंस होंगी वो कमेंट बॉक्स में डालें। और
लास्ट पे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे फ्रेंड्स पीडीएफ की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स का पूरा सेक्शन, तो पीडीएफ उसके बाद हम अपलोड करेंगे और आप लोगों को उसकी लिंक भी भेजी जाएगी। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, फिर लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उससे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ भी हम अवेलेबल रखेंगे और पीडीएफ में हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। ये जो हमने आपके सामने टॉपिक्स डिलीवर किए, लेक्चर्स डिलीवर किए, इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनमें इंक्लूडेड हो। उसमें एमसीक्यूज़ भी हम एक्सपेक्टेड जो एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक्सपेक्टेड जो होंगे एग्जाम्स में वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाएंगे हम। सो यू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। जब आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ से, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आगे हम एक और लेक्चर लेके आपके सामने आएंगे, आपसे इजाज़त लेते हैं। और लास्ट में ये रिक्वेस्ट फिर से है कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।